नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। रेत के अवैध उत्खनन ने एक शख्स की जान ले ली। मामला कटनी का है, जहां पर अवैध उत्खनन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें आपस में हिंसक झड़प भी सामने आ रही है। रेत खनन को लेकर जहां एक ओर ठेकेदारों, अवैध उत्खननकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच में लगातार हिंसक वारदातें घटित हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंगलवार की दोपहर रेत के अवैध उत्खनन के दौरान एक विशाल टीले के भरभराकर भसकने से उसकी चपेट में एक मजदूर के आ जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उमरिया पान थाना अंतर्गत ग्राम घुघरी में घटित हुआ। पुलिस ने लाश को बरामद कर मर्ग कायम कर लिया है। इस हादसे के बाद खननकर्ता वहां से भाग खड़े हुए। दोपहर करीब 12:30 बजे बेलकुंड नदी के घुघरी घाट में रेत का अवैध उत्खनन करा रहे लोग उस वक्त मौके से भाग खड़े हुए, जब रेत का एक विशाल टीला भरभराकर धसक गया और उसकी चपेट में आने से 20 वर्षीय राजू पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी से टीले की रेत हटवाई गई। इस दौरान बड़ी तादाद में ग्रामीण भी यहां पर एकत्रित हो गए।